नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुदेव पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर जो भी स्टूडेंट रिन्यूअल करना चाहते हैं इस साल यानी 2023 से 24 सेशन में, तो यहां पर हो क्या रहा है कि अभी जो है एक जो है यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, हालाँकि ये सही चीज़ है। योर EKYC इज पेंडिंग, EKYC इज मैंडेटरी टू सबमिट एप्लीकेशन, प्लीज़ कंप्लीट योर KYC। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया सेक्शन जो है देखने को मिलेगा कि अपडेट EKYC OTP, ठीक है। OTP के माध्यम से जो है आपका EKYC किया जाएगा। EKYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कोई भी अभी देखेंगे संस्था जो है अपने कस्टमर को जो है आधार नंबर से लिंक करना चाहती है, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस टोटली आधार नंबर से हो रहा है, ठीक है, और ये जो है आधार पर ही OTP आ रहा है। तो आप अपने आधार में जो है मोबाइल नंबर ज़रूर जुड़वा लेंगे, ठीक है, अगर नहीं जुड़ा होगा तो ये चीज़ करना ही होगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है रिन्यूअल का जो है सिस्टम ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है, तो पहले अगर आप EKYC करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आपको EKYC करना है। तो चलिए EKYC कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जो ऑप्शन दिख रहा है, और जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है लिख देता है कि OTP जनरेटेड सक्सेसफुली, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पर एप्लीकेशन ID तो लिख ही देता है, तो जो भी OTP आया रहता है ये आपको यहाँ पर डालना होगा, जो कि आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है, ठीक है, वन टाइम OTP यहाँ पर आपको डालना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर OTP डाल लिया है, जो भी OTP आया था अपने मोबाइल पर, जो भी SMS आया होगा उसमें OTP रहता है, वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है माई आधार कैन बी यूज फॉर फेचिंग माई डाटा फ्रॉम UIDAI, माने आधार से आपका जो है डाटा यहाँ पर फेच किया जा सकता है, यानी मिलाया जा सकता है। इसके लिए आप कंसेंट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर सिंपली वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है डाटा रिसीव्ड जो भी होता है, देख सकते हैं अपडेट KYC का, यहाँ पर जो है जो भी डाटा आपका रिसीव्ड होगा यानी आपके आधार से, वो आपका फ़ोटो भी देख सकते हैं, आधार का फ़ोटो यहाँ पर दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा आधार में, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, हाउस नंबर है, और जो भी डिटेल्स है आपके आधार में वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ को आप सुधार नहीं सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखने लग जाएं, ठीक है, जो भी इसमें है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जो है KYC आपका हो गया सक्सेसफुली, देख सकते हैं यहाँ पर जो है OTP वेरीफाइड और KYC सक्सेसफुल लिख भी देता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई फॉर रिन्यूअल का यहाँ पर जो है देख लीजिए प्रोसेस करने का जो है ऑप्शन आ भी चुका है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर रिन्यूअल कर सकते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर रिन्यूअल करने का जो है ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपका स्कीम था वो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिस स्कीम में आपने पहले अप्लाई किया था, तो ये चीज़ सब कुछ जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन बात कर लेते हैं कि अगर किसी का वहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाता है EKYC करने में, तो देखिए इसका जो है मुख्यतः दो तीन कारण हो सकता है। पहला तो देखिए कि ये जो है साइट काम नहीं कर रहा हो, एक कारण। दूसरा कारण अगर बता देगा कि डाटा मिसमैच हो रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि जो भी डाटा आपने यहाँ पर डाला हुआ है अपने एप्लीकेशन में, यानी कि जो भी आपने स्कॉलरशिप में नाम वाम, अपने पिता का नाम और जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वही तीन चीज़ जो है अगर आपका गलत है, उसमें से मैच नहीं कर रहा है आपके आधार से, तो वहाँ पर जो है फेल हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको जो है आपके अपने आधार को जो है सुधार करवा लेना है इसी हिसाब से जैसा कि इसमें दिया गया है, चूँकि आप इसको सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मिसमैच वाला प्रॉब्लम आ रहा है EKYC करने में, तो आप जो है अपने आधार को ही सुधार करेंगे, ठीक है, जो भी आपका आधार में दिक्कत होगा, जैसा कि आपके मार्कशीट पर होगा आपको उसी प्रकार से रखना है। अगर इसमें गड़बड़ होगा तो इसके चक्कर में आप अपना आधार जो है सुधार नहीं करवाइएगा, लेकिन आधार में ही गलत है बाकी सब जगह सही है, तो आप अपना आधार जो है बिल्कुल सही करवा लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस सभी बात को समझ गए होंगे कैसे जो है EKYC करना है, अगर प्रॉब्लम है तो आपको कैसे करना है, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है NSP के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप जो है कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है, वो आपको जो है सुझाव दे देंगे जो भी होगा। तो आशा करते हैं आप इस सभी बात को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद।